शायद मयूर भाई प्लीज जल्दी थोड़ा सा जल्दी शुरू कीजिए। अंपायर एलके भाई और ये पहली गेंद आ रही है मयूर भाई। रुकना और ये पहली गेंद पर आउट हो सकते थे मयूर भाई बट और ये बैक टू बैक कैचेस मिस हो रहे हैं। राहुल भाई बहुत ही अच्छी बॉल डाल रहे हैं बट बैक टू बैक मिस हो रहा है। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर सॉरी ओवर एक ओवर पांच रन। बहुत ही अच्छा ओवर खत्म किया राहुल भाई ने। दो या तीन कैचेस मिस हो गए वरना ये बहुत ही और ज्यादा अच्छा ओवर होता बट अगर रन के कंपेरेटिवली देखें तो बहुत ही अच्छा ओवर था। नेक्स्ट ओवर कामेश भाई एक ओवर पांच रन द स्कोर इज एक ओवर पांच रन। और ये पहली गेंद वाइड बॉल और ये बहुत ही अच्छा डॉट बॉल एक वाइड के बाद बहुत अच्छा डॉट बॉल किया है। डॉट बॉल के साथ ही मयूर भाई थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए और ये नेक्स्ट बॉल बोल नेक्स्ट बैट्समैन विनीत भाई जो सुरेश अचल डीपीएल बहुत ही स्टेडी स्टार्ट किया है। और ये कामेश भाई ने बहुत ही अच्छा ओवर निकाला और ये कामेश भाई ने बहुत ही अच्छा ओवर निकाला। इस मैच में फिलहाल विनीत भाई कुछ खास नहीं कर पाए बैक टू बैक विकेट जा रहे हैं। नेक्स्ट बैट्समैन भावेश भाई चार बॉल हुए ये लग रहा है बॉलर की स्ट्रेटेजी है एक वाइड बॉल एक विकेट फिर एक वाइड बॉल एक विकेट। और ये बैक टू बैक वाइड लेकिन टीम बुरा नहीं मानेगी इसका। लास्ट बॉल अरे बैक टू बैक डॉज बॉल दो ओवर एंड हुआ आठ रन। Thank you.
नेक्स्ट बॉलर इज कैप्टन और वो पहले ही बॉल सिंगल के लिए मार दिया है प्रदीप भाई ने, बहुत ही डिसेंट स्टार्ट किया है गोल्डन ईगल्स ने। ये बैक टू बैक सिंगल डायरेक्ट हिट होता तो शायद भावेश भाई के जो रनर है वो आउट हो जाते। और ये बहुत ही अच्छी ओवर निकालते हुए अभी तक कैप्टन, तीन बॉल पे सिर्फ तीन सिंगल आया। ओ राइट डाउन, बैक टू बैक राइट बॉल। और ये थोड़ा सा हाइट पे आया था बॉल और बहुत ही अच्छा कैच, कैप्टन ने एक बहुत ही अच्छे प्लेयर को प्लेयर का विकेट लिया है भावेश भाई। अभी नितिन भाई की टीम से उनके होप और उनके कैप मिस्टर अनूप स्ट्राइक लेते हुए, ये नितिन भाई के होप है और इस टीम की कैप है। और ये पहले ही बॉल छह रन, कैप्टन 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 कैप्टन। और वो बैक टू बैक सिक्स के चक्कर में अनुज भाई ने एक साधारण सा कैच दिया रवि भाई को, थोर भाई ने बहुत ही अच्छा ओवर निकाला फिर टू विकेट। दो तीन ओवर के बाद टीम का स्कोर है 19 रन, गोल्डन ईगल्स का स्कोर तीन ओवर के बाद 19 रन। अगर राकेश और प्रदीप नेक्स्ट बॉलर इज अभी भाई, थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करते हुए स्कोर इज तीन ओवर के बाद 19 रन। बहुत ही सेंसिबल बैटिंग करते हुए प्रदीप भाई ने एक रन के लिए मारते हुए, राकेश भाई को पहली गेंद वाइड बॉल। लेकिन ने नो बॉल दिया, कंटिन्यू दो बॉल वाइड डालने के बाद एक बहुत ही अच्छा बॉल जो स्ट्रेट मिस हुआ। और ये पारस ने बहुत ही अच्छा कैच लिया है, दो ओवर डालने के बाद बहुत ही अच्छा ओवर निकाला अभी तक। और ये कैप्टन कैप्टन ऑफ गोल्डन ईगल स्ट्राइक पे काम हो जा रहा है, तीन बॉल हुआ है और ये बहुत ही अच्छा सिंगल निकाल दिया है कैप्टन ऑफ गोल्डन ईगल्स ने। और
अंपायर का इशारा नो बॉल, लाइन का नो बॉल था। वाइट बॉल और ये सेंसिबल रनिंग, व्हाट अ गुड कॉल, व्हाट अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन कैप्टन एंड पदिया। द बैट्समैन वॉज नॉट रेडी। हेलो, हेलो, और ये बहुत बढ़िया डिफेंस प्रदीप द्वारा स्ट्रेट फील्डर के हाथ में जाते हुए, और ये ओवर हुआ लगता है। यस, ओवर हो गया है और दीपेश बॉलिंग पर आते हुए, गोल्डन ईगल्स 4 ओवर 29 रन 5 विकेट, लगता है इनको रन में थोड़ा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। सॉरी, 4 ओवर ही ना, 29 रन 5 विकेट, एक के दो ओवर में क्या होता है। और ये बढ़िया लेग टर्न, और ये नितिन ने बहुत अच्छे से उसको एंटिसिपेट किया पर फील्डर के हाथ में, एक रन के लिए। और ये बहुत बढ़िया शॉट, बट नितिन से कैच छोड़ दिया है। ये पूरे मैच का दूसरा कैच नितिन के द्वारा छूटता हुआ। कैप्टन अगर ऐसा होगा तो टीम तो कैच छोड़ेगी ही भाई साहब। और ये बहुत ही बढ़िया बॉलिंग है, यूएसपी है इस बॉलर की, बहुत ही अच्छा लेग टर्न करते हैं, आउटसाइड लेग स्टंप से सीधा मिडिल ऑफ स्टंप के भी बाहर निकालते गेम को। बहुत बड़े एंटिसिपेशन था बॉलर द्वारा, पर बैट्समैन और भी चालाक और चतुर। और ये दो कदम बाहर निकला था दीपेश ने, डाल और ये रनआउट का चांस मिस होते हुए, पता नहीं चला कि स्टंप पे फेंकना था कि अंपायर को मारना था। बहुत बढ़िया शॉट, क्या ये सिक्स है या फोर है, फोर है, अंपायर फोर की तरफ इशारा करते हुए। बहुत ही बढ़िया, अपने लिए रूम बनाया उन्होंने। और ये फिर से नितिन अपने लिए रूम बनाते हुए, पर इस बार कनेक्ट नहीं हुआ ठीक से, एज लग के ऊपर गया बॉल बट। और 5 ओवर खत्म होने के बाद गोल्डन ईगल 39 5 विकेट, लास्ट ओवर है, देखते हैं कौन डालता है। वेब सर, मुझे शायद पूछना भी नहीं चाहिए था, मेरी गलती है। 39 39, और गेस करते हैं कि कितने सिक्स पड़ने वाले हैं या कितनी विकेट जाने वाली इस ओवर में, क्योंकि ये डेड बॉलर है हमारे लिए। डेड 3 6 का एक प्रेडिक्शन आया है, और पहला सिक्स जाते हुए कमाल। और ये दूसरा बॉल क्विक सिंगल लेते हुए मकवाना भाई बॉल को कनेक्ट करते हैं, और आड़ा टेढ़ा फेंकने का नतीजा ये है, आड़ा टेढ़ा फेंकने का नतीजा ये है कि दूसरा रन चुरा लिया है बैट्समैन ने। और ये बहुत बढ़िया बॉल था डेथ ओवर स्पेशलिस्ट वेबसर द्वारा, वेरी नाइस रिटर्न। और ये बहुत बढ़िया बॉलिंग, वेब सर ने देखा कि वो बाहर आ रहे हैं क्रिस के, तो उन्होंने कमर के ऊपर वाला लेंथ डाल दिया, पर कैच हो सकता था ये शायद। और ये सिंगल रन
वेब सर बहुत बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हुए एक सिक्स खाने के बाद कमबैक करना आसान नहीं होता है। और ये लास्ट बॉल और ये लेग साइड घुमा दिया है पर दीपेश अपने हाथ में बॉल रखते हुए कीपर की तरफ से और कीपर ने मिस फील्ड कर दिए यहाँ पे और ये एक और मिस फील्ड रन देखते हुए नितिन इज लाइक और यहाँ पे पता नहीं कौन सा क्रिकेट चल रहा है। मैं देख रहा था शायद पाकिस्तान टीम फील्डिंग कर रही है एक बॉल के नीचे भागते इधर तो बॉल ही घूम रहा है नितेश इज लाइक के मैंने क्या कर्जा लेकर टीम लिए पता नहीं क्या होने वाला है आज। ये शक्तिमान क्यों बन के घूम रहे समझ में नहीं आ रहा है। बाहर आ जाओ फक 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 बाहर करेंगे उसी में रख दो ये लो। स्कोर है 6 ओवर 51 रन 52 अभी टीम को चाहिए 52 रन्स टू विन। देखते हैं कौन चमकता हुआ सितारा निकलता है या फिर नितिन की गेंदबाजी बहुत ही गेम में सब बॉल के पीछे भागते हुए यहाँ पर बॉल प्लेयर्स के पीछे भाग रहे हैं। बुल्स के लिए ओपनिंग करने आ रहे हैं दीपेश मैक एके प्रशांत प्रिहान दीपेश भाई प्रिहान कौन है प्रिहान कॉन्ग्रेचुलेशन अंश किधर हो जल्दी अंदर हो इधर इधर एक बार गोल्डन ईगल्स के फील्डर्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं जल्दी जल्दी बाउंड्री में खड़े हैं पकड़ा था तब तक सही था अनूप भाई बुल्स का लास्ट मैच कुछ ज्यादा फेवरेबल नहीं था क्या ये मैच उनके फेवरेबल कर सकते हैं यहाँ पे फील सेट करते हो सेकेंड इनिंग्स की पहली बॉल नितिन की तरफ से दीपेश ऑन स्ट्राइक पहला बॉल हो रहा है कच्चा सा फ्लिक संजय बहुत ही एक्टिवली फील्डिंग करते हुए और थ्रो नहीं किया संजय को बोला कि थ्रो नहीं करते एक रन बहुत ही अच्छा बॉल था बहुत अच्छा बाउंस हुआ बॉल यहां पर थोड़ा सरप्राइज हो चुके हैं मैक शायद उनको आगे ये बहुत ही तगड़ा तगड़ा पावर शॉट था ये आउट होने का चांस था बट अंपायर ने दिया नो सिंगल दो बॉल दो रन तीन बॉल दो रन फोर्थ बॉल नितिन भाई की तरफ से दीपेश ऑन स्ट्राइक बहुत ज्यादा शॉट खींच के मारे क्या कैच था यार कैच दिखाने बट विनीत भाई का बहुत ही अच्छा कैच और ये बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा दीपेश एक मेन बैट्समैन थे उनके उनका विकेट और यहाँ पे गौरव अभी भी पूछ रहे डाउट में है आउट हो गया क्या कामेश अगेन यहाँ बैटिंग पे आते हुए नितिन देखते क्या स्ट्रेटेजी है बढ़िया गेंद था नितिन द्वारा आई थिंक ही इज फॉलोइंग द स्ट्रेटेजी कीप इट सिंपल सली और ये अपने मैक भाई बैट घुमा रहे हैं बहुत तेज हवा आ रही है पता है गर्मी है पर हवा नहीं चाहिए रन चाहिए दोस्त रन
हवा के लिए तो हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है, पंखा लगाया है। एक ओवर 3 रन 1 विकेट, जीतने के लिए 49 रन और चाहिए 30 गेंदों में। और ये कट लगते हुए कैच छोड़ दिया है लगता है यहाँ उम्पायर द्वारा, उनके वन ऑफ द मेन बैट्समैन का कैच पकड़ लेते। और ये बॉलिंग बहुत ही बढ़िया थी, चुटकी बॉलर, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, लेग टर्न होते हुए। पर अब पिच में बाउंस देखिए, बहुत ही अनइवन बाउंस लग रहा है आज। और ये बहुत ही वापस अच्छा गेंद था, पर ज्यादा टर्न होने के कारण वाइट दिया गया अंपायर द्वारा। बहुत ही अच्छा, और ये क्या बॉलिंग है, बॉलर टशन में आते हुए मैक को धमकी देते हुए कि भाई मार के बता, तू टर्न को बीट करके बताऊ। और ये प्रस्टेशन में मुझे लग रहा मैक ने बैट घुमाया पर एज लग के ऊपर गया, कैच हो सकता था पर कैच हुआ नहीं। लास्ट बॉल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। और ये सिंगल नहीं, नहीं, क्या थ्रो है चिंटू यानी कि भावेश द्वारा, बहुत ही एक्टिव फिल्टर है। और साथ में बॉलर नेक्स्ट कौन होगा ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ओवर में सिर्फ 6 रन हुआ है 1 विकेट। आई थिंक बैटिंग टीम नीड टू एक्सेलरेट अ लॉट। और ये बॉलर भी बहुत ही अच्छे हैं विनीत, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंसी से डालते हैं, सिर्फ टीपीएल में ही दिखते हैं, बाकी मिस्टर इंडिया है। लगता है सामने वाली टीम ने सारे ही चुटकी बॉलर को लिया है। अरे बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। और ये कामेश भागते हुए नॉट आउट, नॉट आउट। विनीत चुटकी, राकेश चुटकी, भावेश चुटकी। और ये कामेश स्टेप आउट होते हुए घुमाते हुए बैट पर, लेकिन नेट को लग के 1 ही रन मिल पाएगा यहाँ पे। अरे बढ़िया बढ़िया गेम थी। और एक थ्रो, थ्रो अगर हाथ में या स्टंप पे डायरेक्ट लगता तो आउट हो सकते थे यहाँ पे, और टीम गुजारिश कर दी होगी कि क्यों नहीं मारा। बहुत ही बढ़िया शॉट, स्टेप आउट होके उन्होंने पढ़ लिया था गेंद को पहले की गुड लेंथ पे आने वाली है, झाड़ू शॉट के द्वारा सीधा सिक्स गया। और वापस से आगे बढ़कर अच्छी गेंद को डायरेक्ट में, और वापस से आगे बढ़कर 21 रन 1 विकेट 18 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता। और एक और चुटकी बॉलर बॉलिंग पे आते हुए, ये भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, लेजेंड बॉलर है हमारे लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कामेश को कहां लगा ये मैं बता नहीं सकता, नाम ना मैं बोल सकता हूं, बट ठीक है 1 रन चुरा लिया। बहुत ही सेंसिबली खेलते हुए कामेश, क्योंकि भावेश पता है क्या कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं कमल भैया के चिंटू, हमारे जीसीसी के न्यारे प्यारे दुलारे चिंटू। और ये मैक यहां पे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनके बैट को लग जाए और भाग जाओ मैं 1 रन।
मैक भाई आराम से खेलिए, देख के खेलिए, आप में बहुत ही क्षमता है। क्या ये क्या जवाब, बढ़िया कैच, बढ़िया कैच, शायद इसी क्या ये क्या जवाब, बढ़िया कैच। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज की एंट्री हो रही है, आप देखिए उनका वट कितना चाहिए, जैसे कि एक ही हाथ से मार लेंगे और मारने की क्षमता भी रखते हैं। तेरह गेंदों में 28 चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सूझबूझ से बैटिंग कर रहे हैं कि एक सिंगल चला रू और मैं पिच को समझ लू किस तरीके से टर्न कर रहे हैं, शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। यहाँ पे कॉमनली उनके फ्रेंड उनको बुलाते हैं अधीरा। यहाँ पे पब्लिक डिमांड है, ऑडियंस चाहती है कि पदिया बॉलिंग पर आए, हम एक घमासान युद्ध देखना चाहते हैं पदिया वर्सेस रवि। अधीरा की तलवार रेडी है कंधों पर, ओमी सामने रेडी है। अच्छा बॉल था ओमी द्वारा, आई थिंक ये डेड बॉल है, यस ये डेड बॉल है, माइक रेडी नहीं थे बॉल है इसलिए बैट पे लगा। कौन था ये, राजू, आई डिडंट डू इट। और ये संजय की फूट गई, रात को पता चलेगा। और टीम रेडी है उनका स्वागत करने में, किस तरीके का स्वागत मैं ये बता नहीं सकता कमेंट्री में। और ये अभी तो स्ट्राइक पे आ चुके हैं, देखते हैं अब क्या होता है आगे। 26 और ये वाइड बॉल, शायद एक स्ट्रेटेजी हो सकती है ओमकार की। पारस बैटिंग पे आए हैं नॉन स्ट्राइक पे, और ये अभी बहुत ही कैजुअली सिक्स की तरफ लेफ्ट एक शॉट ट्राई कर रहे थे और हमारे जीतने के हल्क मैन, हमारे ही मैन, उनका हाथ शायद नेट को अटक गया था इसलिए थ्रो करते टाइम उन्होंने बहुत ही जोर लगा दिया, पर दो रन यहां पे अभी ने बहुत ही चतुराई से चुरा लिया है ताकि स्ट्राइक अपने पास रखे। टीम को 9 गेंदों में 23 चाहिए। और यहाँ पे अभी फिर से कोशिश कर रहे थे कि लॉफ्टेड शॉट 6 चले जाए, सीधी गेंद आ रही है ओमकार की तो उसको लेवरेज कर सकते हैं क्या, बट यहाँ पारस अगर कुछ चमत्कार कर ले, 2-3 गेंदों में अगर 6 मार ले तो मैच पलट सकता है। पहली गेंद सिंगल लिया है पारस, दूसरा चाहते हैं पर अभी ने रोक दिया। 7 बॉल में 21 रन की आवश्यकता, 721। और ये अपील करते हुए अभी नो था कि नहीं था, पर जो भी परिणाम हो कैच तो लिया गया है और अंपायर ने कहा है कि नो नहीं है। सोहेल अपने डिसीजन पे बहुत ही फर्म है कि नो बॉल नहीं था। लास्ट मैच के बैटिंग साइड के जो हीरो थे अभी, जिन्होंने लास्ट बॉल तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी, इस बार उन्हें जाना पड़ेगा फिर से। अभी वेब सर आए हैं, डेथ ओवर बॉलिंग स्पेशलिस्ट है, देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने प्लेयर जो है पारस को मोटिवेट कर रहे हैं। पारस स्ट्राइक पर है, क्षमता है पारस में,
कि वो 21 रन मार सकते हैं, पर सामने जो बॉलर है वो भी तजुर्बा उनके पास बहुत ही है, 3 सिक्स की आवश्यकता है। पारे समझदारी से अगर खेले तो 3 सिक्स लग सकता है। अनुप बॉलिंग पर स्ट्राइक पारस, और ये लेग साइड बॉलिंग की है। पारस ट्राई कर रहे हैं कि सेकेंड हो, बैंसर गुस्से में देखते हुए कि झंडू कर रहे बे, पर कोई बात नहीं, शायद किसी भी मेंबर के लिए टीम का अंजाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे वेबसर बड़ा देर रखते हुए टीम के लिए अपनी विकेट समर्पित करते हुए, और 20 चाहिए, 5-20। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अनुप द्वारा, फ्लैट रख रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, सीधी सीधी रख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट था, पर एलिवेशन ना मिलने के कारण सीधा बाउंड्री प्लेयर के हाथों में जा गिरी ये गेंद। विनीत बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, और यहां कैप्टन थॉर की एंट्री जो ग्रुप में इतना शिकागो बुल्स हो रहा था, हमें यहां वो बुल्स नहीं दिख रहे, यहां बुल्स की जगह। और बहुत ही बड़ा वाइट था ये, तीनों में तीन गेंद में 20 चाहिए, थर्ड 19। ए अंपायर ऐसा आउट है क्या? ओके 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 ऐसा आउट है, ओके। और यहां आगे बढ़ के थर्ड हवा में गेंद ढूंढ रहे, पर पता चला बॉल तो पीछे ही है, ओंकार ने भी छोड़ दिया था कि भाई तू खेल ले, एक और खेल ले बॉल, तो अपने घर का आदमी है। और यहां पे बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग की है फील्डिंग साइड ने, टारगेट बहुत बड़ा था नहीं, 51 रन 52 रन आराम से हो सकते थे, पर यहां पे